शॉर्ट सर्किट से देर रात शहर की शंकर एजेंसी में भीषण आग लग गई, जिससे 1.5 करोड़ से अधिक का जनरल स्टोर का सामान जलकर खाक होने के साथ साथ एजेंसी मालिक की मां गीता देवी की झुलसकर मौत हो गई। आग की उड़ती लपटों और शोरगुल सुनकर इकट्ठा हुए पड़ोसी ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सदर SDM राम प्रकाश ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए शासन प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री सानू गुप्ता ने शासन से पीड़ित व्यापारी परिवार को आर्थिक मदद दिलाए जाने की मांग की है। नवबारा समाचार, चित्रकूट उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र सिंह कछवाहा। रात में लगभग 12:30 बजे बच्चे मुझे जगाए ऊपर से कि पापा नीचे आग लग गई लगता है, तो हम लोग नीचे से उतरे, शटर उठाए तो बाहर से धुआं आ रहा था, तो हमने तुरंत पापा को बुलाया। पापा ने शटर खोला तो बोले नीचे आग लगी हुई है। बस जैसे हम लोग गए अंदर घुसे, देखे तो हम लोग बाल्टी में पानी था, पानी डाले जैसे आग में इधर बैक हुई, तो उतने में हम लोग हल्ला मचाए बाहर, तो बोले सब इकट्ठा हो गए। अब फिर हम लोग बाहर निकल आए सब कोई। फायर ब्रिगेड कितनी देर में आ पाई है? 5-1.5 घंटे के बाद आई लगभग। और कितना नुकसान हुआ आपका? 2-2.5 करोड़ रुपये नुकसान हुआ लगभग। इसमें किसी की हताहत होने की? माता राम झुलस गई हैं, ख़त्म हो गई। क्या मांग चाहते हैं आप सरकार से? अरे अभी तो फिलहाल अभी जो समस्या है उसको साफ करते हैं, बाकी फिर ये आज रात में 1:30 बजे घर में आग लग गई है और भीषण आग लगी है, और सूचना मिलते ही अज्ञात हमारी फायर सर्विस और पुलिस के जवान और हमारे अधिकारी मौके पर पहुँचे। अब भी आग बुझाई जा रही है और इसमें श्रीमती गीता देवी पत्नी वंश गोपाल की मृत्यु हो गई है, जो बहुत ही दुखद है। हम इस असहनीय दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और इनके वारिसों को मैं अधिक से अधिक जो हमारी दैवीय आपदा के अंतर्गत सहायता दी जाती है मैं उसको दिलाऊंगा, और उसके अलावा इससे आगे बढ़ करके माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से भी, जो इनका दुकान का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें भी प्रबल संस्तुति करूंगा कि जो है इस परिवार को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिले। हम पूरा राजस्व प्रशासन इनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में पूरे साथ हैं। शंकर एजेंसी में जो कि इनकी किराना से संबंधित कई एजेंसियां थी, इनके पास प्रतिष्ठित व्यापारी थे। आज लगभग 1:30 बजे रात को हमको सूचना मिली कि आग जने की घटना हो गई है वंश गोपाल जी के यहाँ शंकर एजेंसी में। हम लोग सब मोहल्लेवासी सब लोग दौड़े और जहाँ देखा तो बहुत भीषण आग लगी हुई थी इनकी दुकान में। कितने का नुकसान हो गया? इनका लगभग 90 से 95 लाख का आंकड़ा है कि इतने का इनका नुकसान हो गया है। और सबसे विशेष कि इनकी माँ झुलसकर जिनकी मृत्यु हो गई है, सबसे दुखद घटना हुई है ये, और चित्रकूट जिले की ये सबसे बड़ी और सबसे दुखद घटना है कि आगजनी से पूरी दुकान पूरी पूंजी व्यापारी की जलकर राख हो गई और साथ में उनकी माँ की भी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद है और मैं देख रहा हूँ कि विगत 1 महीने से कई दुकानें आगजनी का शिकार हो गईं, जिसका कारण भी नहीं व्यापारी समझ पाए कि आग आखिर किस कारण से लगी। और मेरी सरकार से एक मांग है कि व्यापारी जो चूँकि जीवन भर कमाता है, अपना धन अपना तन अपना मन लगा करके सरकार के कोष को भरता है, तो सरकार भी ऐसी परिस्थिति में जब कभी व्यापारियों की दुकानों में ऐसी दैवीय आपदाएं आ जाती हैं तो उनके लिए राहत कोष का गठन किया जाए और सरकार ऐसे पीड़ित व्यापारियों की मदद करें, यही मेरी सरकार से आग्रह अनुरोध है। सानू गुप्ता, राष्ट्रीय महामंत्री व्यापार संघ।